फिलहाल उसके लिए हम इस मुर्गे को छोड़ देते हैं अपनी लाली और काली के साथ। हाँ भाई, लाली और काली तुम्हें पसंद है? पसंद है तो बताओ, हम इनके इसको इस मुर्गे को हम अपनी लाली और काली के साथ छोड़ देते हैं। तो इस वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आप तो हमने जो सरप्राइज वगैरह दिखाना था वो कम्प्लीट हो चुका है, तो सरप्राइज हम दिखाएंगे आपको बाद में। सबसे पहले हमने अपने सारे पिजन्स को खोल दिया है और हमारे माशाल्लाह रैबिट भी ठीक है अपनी सफाई कर रहे हैं। यार एक और रैबिट किधर है हमारा? इधर आओ, एक और रैबिट किधर गया यार? किधर गया? किधर गया? किधर गया यार हमारा रैबिट? यार ओहो, दोनों हमारे रैबिट नीचे घुसे हुए हैं देखो। क्योंकि दोस्तों इन्होंने माशाल्लाह आज अच्छी सी डाइट कर दी, आज हमने इनको पालक भी खिलाया और पालक के साथ साथ हमारे ये सारे पौधे भी इन्होंने खा लिए हैं। रैबिट ने सारे पौधे वगैरह भी खा लिए हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो हमारी शेरनी ने अंडा दिया था इसको हम कर देते हैं साइड पे, क्योंकि यार दोस्तों आपको तो पता ही अपने अंडे पर बैठती नहीं, अपने अंडे को अच्छे से फीड नहीं कर रही दोस्तों। तो हम इसके बारे में कुछ सोचते हैं, फिलहाल हम इसको रख देते हैं इधर। तो सबसे पहले दोस्तों हम दिखाते हैं आपको जो सरप्राइज था, वो आप अपना सरप्राइज देख लें। आज हमने यार बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। तो दोस्तों ये है आप लोगों का सारा सरप्राइज, हमने इसको एक मास्टर कैश तैयार कर लिया है। क्या नहीं बताते तो सही, सफाई हम बात भी कर लेंगे। तो हमने आज माशाल्लाह सर मास्टर पूरा अपना मास्टर कैश तैयार किया है दोस्तों, इधर देख सकते हैं। एक दो ये तीन और ये चार, इसको ये इनके गेट वगैरह हैं जिससे हम बंद करेंगे। और ये माशाल्लाह आप देख सकते हैं हमने आज सारा दिन बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। ओए होए हो, ये देखें बस इसमें से सफाई वगैरह करनी है, बस इसमें सारी दोस्तों मट्टी वगैरह निकलेगी, मट्टी वगैरह निकालेंगे। उसके बाद हमने इसमें पराली वगैरह भी डाल लिए दोस्तों, तो आप देख सकते हैं इधर देखें। और एक यार इसमें से ईंटें नहीं निकाली आपने? ईंटें नहीं निकाली आपने? वही तो मैं कह रहा हूँ, चलो तो करते हैं। तो दोस्तों तीसरा कैश देखते हैं अपना, ये वाला कैश दोस्तों हमारी इस काली और लाली ने पसंद कर रखा है, क्योंकि ये इसमें कब से बैठी थी। और ये है हमारे पिजन का कैश, माशाल्लाह कितना बड़ा है ना दोस्तों। आपने हमारे पिजन का कैच तो देख ही लिया होगा, कितना बड़ा कैच है हमारा। तो दोस्तों सबसे पहले हम करते हैं इनकी सफाई। ओ यार सफाई छोड़ो, हेलो सफाई छोड़ो, सबसे पहले हम अपने पिजन को दाना वगैरह डालते हैं दोस्तों, देखते हैं इन्होंने दाना वगैरह निकाला यार, क्योंकि हम सारा दिन इस कैच को बनाने में माशाल्लाह मसरूफ़ थे हमने बहुत ही कैच। तो दोस्तों ये तो आप बताएंगे ना कि हमें कि हमारा मास्टर कैच कितना खूबसूरत है कि नहीं। दोस्तों आप कमेंट करके बताएं हमारा मास्टर जो कैच था क्यों क्या रहा है या नहीं, कमेंट करें। क्योंकि यार हमने आज सारा दिन की बहुत मेहनत करी, सुबह कम इसमें लगे हुए हैं 11, 12, 13, 1, 2, 3, 4, 6, 7 घंटे लग गए हमें इस मास्टर कैच को तैयार करने में। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसके बारे में बातें बाद में करेंगे। हम डालते हैं अपने पिजन वगैरह को भाई, इसको दाना वगैरह डालते हैं। यार इनका बाजरा वगैरह किधर है? तो सबसे पहले हम इनको नीम गर्म पानी पिलाते हैं, क्योंकि यार यहाँ पे ठंड बहुत ज्यादा शुरू हो गई है ना, ठंड लग। हाँ सीधा बिछा देते पहले? नहीं यार, यार सबसे पहले है ना अपने जो मार्शल कैच हमने माशाल्लाह 1, 2, 3, 4 कैच बनाया है, इस पे हमने ना हल्का हल्का सा पानी मारना है ताकि जो मट्टी है बराबर हो जाए, अच्छी तरह से सेट हो जाए। और उसके बाद हमने जो जो बाहर निकल रहे हैं इसको काट देंगे ये सूखने के बाद। तो दोस्तों ये देखें पत्थर लगा, हमने इसमें पत्थर लगाए ताकि हमारे कैच की जो छत है वो मजबूत हो जाए, और जब ये सारी दीवार वगैरह सूख जाएगी मेरा कैच तो हमने इसको बराबर बराबर करके ऐसे ऐसे काट देंगे। दोस्तों इसको काटने के बाद हम अपने कैच की माशाल्लाह अच्छे तरीके से लिपाई भी करेंगे, क्योंकि ये देखें ताकि ये लिपाई हम अच्छे से इसके यहाँ कर देंगे ताकि हमारा कैच मास्टर कैच खूबसूरत लगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम अपने पिजन्स को नींद गर्म पानी पिलाते हैं, क्योंकि हमारी काली और लाली मुझे लगता है कहाँ गई, बहुत प्यासी थी सर्दी है, वैसे हमने पानी गर्म किया है, पानी गर्म बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो गया है, थोड़ा सा हम इसमें नीम गर्म पानी कर देंगे। आप इधर रख दो इस तरफ, हाँ यहाँ रख दो। आ, 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 लो भाई लाली और काली को तो मैंने आपको दोस्तों बताया ही था कि इनको कितनी प्यास लग रही थी यार, ठंडी सर्दी की वजह से हमने इनको ठंडा पानी भी नहीं दिया, इसी के साथ हमने इनको नीम गर्म पानी पिला दिया है। और इसी के साथ हम इनको थोड़ा सा दाना वगैरह भी डाल देते हैं, जो भी अपना दाना वगैरह माशाल्लाह अच्छी तरह से खा लेते हैं, फिनिश कर देते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम इनको डाल देते हैं दाना उठा उठा कर, हम इसको इसको इस तरह करके हम इनको दाना वगैरह दे देते हैं। दोस्तों ये एक हमारी काली और लाली है, देखिए हमारे कबूतरों को खाने नहीं देते, तो कबूतरों का दाना हम अलग डाल देते हैं इधर। और इसी के साथ साथ दोस्तों आज आपको हम कुछ और बताना चाहते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हमारे जो हमने कबूतरों का कैच तो माशाल्लाह आपको दिखाई दिया, हमने चार चार माशाल्लाह कैच तैयार किए हुए हैं,
तो हम सब पहला वाला हम अपने कबूतर वगैरह शिफ्ट कर देंगे, तो उसी के साथ हमारा ये पिंजरा खाली हो जाएगा और हमारी खाली को हम इधर ही रखेंगे दोस्तों। जो इसी के साथ जो हमारे एक ये दो और ये तीन खाने खाली हो जाएंगे, तो हमने इनके लिए भी कुछ सोचना है कि क्या। तो सबसे पहले दोस्तों हमारा जो पिंच का था ये देखें भाई रैबिट बोल भाग गया। तो हमारी जो फिंच का जो घर है, क्योंकि इसमें दो पैर तो हमारी डायमंड डब के हैं, उसी के साथ एक पैर हमारी फिंच का है। तो दोस्तों हम इसमें से प्राली वगैरह निकाल के अपनी पिंच को इधर शिफ्ट करेंगे। तो दोस्तों हमारी पिंच को माशाल्लाह एक बड़ा घर मिल जाएगा, बड़े खाने पिंजरा। तो ये इसी के साथ जो मेरे ऑस्ट्रेलियन तोते हैं, यहाँ हमारी पिंच आ जाएगी और यहाँ पर हमारी ये कॉकटेल वगैरह आ जाएंगे। दोस्तों इसी के साथ थोड़ा सा दाना पानी हम इनको भी कर देते हैं और उसके बाद हम अपनी पिंच का घर इधर शिफ्ट करेंगे। हमने प्राणी बाहर निकाल ली है और बूर को अच्छी तरह से फैला दिया है और हम अपनी फिंच को इधर से निकाल कर इधर शिफ्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों आ जाओ भाई आ जाओ, माशाल्लाह आपको एक नया कैच मिल रहा है। तो दोस्तों नहीं यार हम इसको ये करेंगे, फिंच को इधर शिफ्ट करेंगे, डायमंड डब के लिए पिंजरा बहुत है। नहीं यार तो हम फिंच को डायमंड डब शिफ्ट नहीं कर सकते क्योंकि टोकरी वगैरह जो उनकी होती है इसमें अंडे देते हैं और इसमें हम टोकरी वगैरह किधर लटकाएंगे, तो इसके लिए हमारे लिए फिंच ही ठीक है। तो हम सबसे पहले करते हैं अपनी फिंच को शिफ्ट। तो इसी के साथ हमने अपनी फिंच को निकाल कर इधर शिफ्ट कर दिया है और यहाँ पे मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा खुश है यार, क्योंकि दोस्तों इसको इस छोटे से पिंजरे में से हमने इसको बड़े पिंजरे में शिफ्ट कर दिया और देखते हैं कि यहाँ पर खुश है कि नहीं। तो दोस्तों ये देखें हमने अपनी फिंच का घर इधर दरमियान में लगा दिया और बूर वगैरह भी अच्छे से बिछा दिया और ये अब सुकून से अपने ये देखो भाई ये देखो कितनी खुशी है यार माशाल्लाह यार। दोस्तों मुझे तो खुशी इस बात की कि यहाँ पर मेरी फिंच बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि हमने यहाँ पर अपने हम अपने पिंजर जान से कबूतरों मुर्गियों और परिंदों को हम बहुत केयर करते हैं दोस्तों, क्योंकि यार जिस तरह हम अपनी केयर करते हैं अपने आपको साफ भी रखते हैं और इसी के साथ साथ दोस्तों अपने परिंदों को भी मुर्गियों को सबको साफ करते हैं। हमारी फिंच यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश है। दोस्तों हम इनको भी थोड़ा थोड़ा नीम गर्म पानी पिला देते हैं। यार इनका नीम गर्म पानी का है यार, आप इनका नीम गर्म पानी पिलाओ ताकि इनकी जो क्या यहाँ पर अब रात होने वाली है, हमें सारा दिन लग गया है दोस्तों, क्योंकि हम जो अपना व्लॉग वगैरह तैयार करते हैं अब अच्छे 3-4 घंटे लग जाते हैं व्लॉग वगैरह बनाने में, क्योंकि हमने इनकी सफाई वगैरह भी करनी होती है। ये देखें जिस तरह के हमारे सारे पिजन्स वगैरह माशाल्लाह आपस में बहुत खुश है, नीम गर्म पानी और अपनी डाइट वगैरह भी कम्प्लीट कर ली अच्छे से, इन्होंने अपनी सफाई वगैरह कर दी है। मुझे सफाई करने की ज़रूरत ही नहीं होती, अपना दाना वगैरह साफ इतना करते हैं कि एक दोनों भी नीचे नहीं छोड़ते दोस्तों, एक दोनों को अच्छी तरह खा लेते हैं। आप क्या करने आइए यहाँ, अब आप अंडे पर तो बैठती नहीं हो, आपने अपना अंडा मुझे लगता है उसने अपना अंडा ज़ाया कर दिया। तो देखते हैं कि हमारा ये अंडा है इसको हम इसके बारे में कुछ सोचते हैं। हमारी काली अपने अंडे को माशाल्लाह से अच्छी तरह रिस्पॉन्स दे रही है, उम्मीद है कि इस काली के बच्चे ज़रूर निकलेंगे। और दोस्तों इसी के साथ साथ हमारा कैज है और हमने आपको बताया भी था, इसी के साथ साथ अपने कैज को मैं क्या शिफ्ट करते हैं देखते हैं। तो दोस्तों यार मेरी भी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो चुकी है इस टाइम, क्योंकि मैंने यार आज बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। तो दोस्तों सबसे पहले जो है हमारा एक कबूतरों का कैज है, इसमें हम मिला के यहाँ पे 1-2-3 यानी 1-2-3 8-9 पेटियाँ वगैरह ला के इनको लगा देंगे, क्योंकि हमने अपने कबूतरों को पेयर लगाने ही है और ये माशाल्लाह से अंडे वगैरह भी देते हैं, क्योंकि ये देखिए माशाल्लाह हमारे सारे पेयर वगैरह हम इधर लगा देंगे शिफ्ट कर देंगे। और दोस्तों इसी के साथ साथ हमारी जो हमारी लाली और काली है, हम उस लाली और काली को यहाँ रखेंगे दोस्तों, तो उनके लिए भी हम उनके साथियों को लाने के बारे में भी सोचेंगे और उम्मीद करता हूँ आप मेरी वीडियो भी देखेंगे। मुझे सपोर्ट दोस्तों सबसे पहले तो मुझे आपकी सपोर्ट चाहिए, आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो हम नए नए परिंदे वगैरह भी लाएंगे और नई नई आपको वीडियो देखने के लिए मिलेगी। तो दोस्तों आपने एक कमेंट में बताना कि हमारा मास्टर कैज कितना अच्छा लगा है आपको, क्योंकि यार हमने इसमें मेहनत तो बहुत ही ज़्यादा करी है दोस्तों। और इसमें हम रखेंगे अपने रैबिट्स वगैरह को, हम अपने इसका रैबिट का जो हमने कैज तो तैयार कर लिया है लेकिन यहाँ पर हमने अपना रैबिट का सेटअप नहीं किया दोस्तों, और इसके बारे में हम आपको अभी नहीं बता सकते क्योंकि ये आपके लिए एक सरप्राइज़ है। सरप्राइज़ तो सरप्राइज़ होता है भाई, क्योंकि जिस तरह के हम सारे सरप्राइज़ आपको दिखा देते हैं दोस्तों, ये सरप्राइज़ आपका अभी पेंडिंग में चल रहा है, इंशाल्लाह हम करीब आपको भी दिखा देंगे। सबसे पहले हमने अरे आपने नीम गर्म पानी पिला दिया इनको, मैंने भी एक को डाला इनको, अब इनका निकाल के इसमें फिर इसमें डाल दो। नहीं हाँ इनको अलग अलग करके सारों को डाल दो यार, उम्मीद करता हूँ कि माशाल्लाह हमारा सेटअप बहुत बढ़ता जाता है दोस्तों, क्योंकि मेरे अब जो सब्सक्राइबर हैं वो 105 हो गए, आपकी सपोर्ट से दोस्तों इसी के साथ आप मुझे सपोर्ट करते रहें इंशाल्लाह अनकरीब हम आपको अपना सेटअप बड़ा करके आपको भी दिखाया करेंगे दोस्तों। ये देखिए हमारा माशाल्लाह सेटअप बड़ा होता जा रहा है और हमारी फिंच आज बहुत ही ज़्यादा खुश है, क्योंकि हमने उनको बड़ा सा कैक पिंजरा में फिक्स कर दिया है
डायमंड है उसको अलग कर दिया, फिंच को अलग कर दिया। ये हमारे उसका था काली कबूतरी का, हमारा जो पेड़ लगा हुआ हम यहाँ शिफ्ट करेंगे। तो दोस्तों इनको फिलहाल हम रैबिट को इसी में पिंजरे में छोड़ेंगे। ये जो हमारा पिंजरा खाली है इसके बारे में हम कुछ सोचेंगे, इसके लिए मुझे आपकी सपोर्ट चाहिए। इंशाल्लाह हम करेंगे, हम इस पिंजरे के बारे में कुछ सोचेंगे। दोस्तों सबसे पहले देखते हैं, हमने भाई ने नीम गर्म पानी डाला है, ये देखो भाई कितने शौक से खा रहे हैं, किधर गए। ये देखो भाई खाने में फुल मस्त है, क्योंकि यार दाना वगैरह ख़त्म हो गया था और हम इनके लिए दाना वगैरह भी लेके आए हैं। और उसी के साथ साथ आप देख सकते हैं कि हमारे पैर पानी पी रहे थे, तो मेरी काली ने इनको मार कर भगा दिया। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जो आपके लिए कैच सरप्राइज था, क्योंकि तीन को तो हमने बता दिया, हमारे कबूतर और हमारी काली और लाली और उसी के साथ हमारे रैबिट्स का कैच है। तो हम सोच रहे हैं कि जो हमारा लास्ट वाला कैच है हम इसको उसमें शिफ्ट कर दें, आपको शिफ्ट कर दें हम उसमें। कि मुझे बल्कि यार उसमें नहीं, हमारी जो लाली और काली है उसे हमने उनके लिए एक मुर्गा भी ले गया ना, तमाशा मैंने, तो हम लाएंगे इंशाल्लाह। जब लाएंगे तो आप भाई को भाइयों को भी दिखाएंगे। तो फिलहाल उसके लिए हम इस मुर्गे को छोड़ देते हैं अपनी लाली और काली के साथ। हाँ भाई, लाली और काली तुम्हें पसंद है? पसंद है तो बताओ, हम इसको इस मुर्गे को हम अपनी लाली और काली के साथ छोड़ देते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो भी पसंद आएगी, और आप मुझे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और अभी के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, क्योंकि मुझे थोड़ा सा काम आ गया है। अल्लाह हाफिज़।